Hello students, so today we'll be starting with the first lecture of SP Corporate Finance. This is the second chapter of SP which carries more than 30 marks in your exams. So this is most important chapter from the exams point of view. So in this lecture we will be learning the concept of share, types of shares, distinguish between equity shares and preference shares, types of equity shares and types of preference shares. So let's start with this lecture. So what do you mean by shares? Shares का मतलब क्या होता है? किसी कंपनी को कैपिटल लाने में, समझो कि कैपिटल 1000 crores की ज़रूरत है, क्या 1000 crore को एक पर्सन लेके आ सकता है? नहीं. दो पर्सन ला सकते हैं? नहीं. तीन? नहीं. तो इस कैपिटल के इतने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, इतने छोटे छोटे टुकड़े कि एक एक टुकड़ा जो है 10 rupees का हो जाएगा. अब 10 rupees लाना इजी है किसी भी पर्सन के लिए, यस. तो उसे हम कहते हैं शेयर्स. मींस कैपिटल का एक छोटा सा यूनिट जब हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो हम उस कंपनी के कलेक्टिव ओनर बन जाते हैं बाय परचेजिंग अ शेयर्स. तो शेयर्स का मतलब क्या होता है? The capital of a company is divided into small units and such units are known as shares. तो public company क्या करती है? इस shares को market में issue करती है और capital को जमा करती है. और जो person shares खरीदता है उसे हम कहते हैं shareholder. The person who purchases the shares becomes a shareholder and owner of the company. समझो कि Mr. Guru ने 100 इक्विटी शेयर्स खरीदे 10 rupees के, मतलब वो 1000 rupees के शेयर्स उसने खरीद लिए, मतलब वो कंपनी में ओनर बन गया है 1000 rupees का. ओके, तो यहाँ पे हमने शेयर्स का मीनिंग पढ़ा. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा शेयर्स का मीनिंग क्या है. द होल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, दैट स्मॉल यूनिट इज नोन एज शेयर्स. So let's learn the types of shares. Basically there are two types of shares, that is equity shares and preference shares, and there are many types of preference shares. Total 8 types of preference shares you have to learn for 10 marks in the exams. So first learn what is equity shares and preference shares. Equity shares or preference shares mein fark kya hai? Equity shareholder or preference shareholder दोनों कंपनी के लिए ओनर है, लेकिन इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं. इक्विटी शेयर्स का जो पैसा है वो कंपनी के पास एंड तक होता है. एंड मतलब जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक ये कंपनी अपने इस पैसे को इस्तेमाल करती है. इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे कंपनी फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करती है, यानी फिक्स असेट्स खरीदने के लिए इन्वेस्ट करती है. प्रेफरेंस शेयर्स में जो पर्सन इन्वेस्ट करता है उसको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है. मान लो किसी पर्सन ने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे 1 lakh rupees का, तो कंपनी ने उसको प्रॉमिस किया कि यू विल बी गिवन 10% डिविडेंड एवरी ईयर. दैट मींस उसको 1 lakh के ऊपर 10% के हिसाब से 10,000 डिविडेंड एवरी ईयर मिलेगा. डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी प्रॉफिट करने के बाद एवरी ईयर शेयर होल्डर्स को देती है. तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू द शेयर होल्डर एज एन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो प्रेफरेंस वाले का जो डिविडेंड है वो फिक्स रेट से मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता. मतलब इक्विटी शेयर्स देने के टाइम पे कंपनी प्रॉमिस नहीं करती कि आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, वो डिपेंड करता है प्रॉफिट पे. इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट. हायर द प्रॉफिट मोर विल बी द डिविडेंड, लेस द प्रॉफिट लेस विल बी द डिविडेंड. प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो शायद डिविडेंड भी ना मिले उस साल, बट प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड फिक्स रेट से मिलेगा. तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है इक्विटी और प्रेफरेंस का. आगे भी हम डिस्टिंग्विश में देखने वाले हैं.
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी मिल जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के पहले, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीज़ दे के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है तो कंपनी आपको बता भी देती है कि 10 ईयर्स के बाद या 5 ईयर्स के बाद आपके जो 1 लाख रुपीज़ है ये भी आपको वापस मिल जाएंगे, मतलब रीपेमेंट भी मिल जाएगा। बट इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा कोई भी प्रॉमिस कंपनी नहीं करती कि आपको आपका रीपेमेंट मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स मीनिंग क्या लिखा है। Preference shares are those shares which carry the following two rights. Preference shares को दो rights दिया जाता है। सबसे पहले dividend का, they get a dividend at fixed rate before paying to the equity shareholder, or even they get the repayment of capital at that on the time of winding up of the company before the repayment of equity shares. और equity shares वो shares है which are entitled to the dividend and repayment only after the claims of preference have been satisfied. मतलब preference shareholder के claim को देने के बाद ही equity shareholder को dividend और repayment मिल सकता है। Their dividend is not fixed, it depends upon the profit of the company. Okay, but equity shareholders are called real owners of the company, or वो उन लोगों को वोटिंग राइट्स दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को सारे नॉर्मल वोटिंग राइट्स है, मतलब वो हर जगह पे वोट कर सकता है। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड दे हैव अ फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इवन इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स मिलता है, राइट इश्यूज मिलते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये था मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आइए हम मेजर डिफरेंस इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में देखते हैं। ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आपको 5 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है, और ये बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे मीनिंग, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच डज नॉट एन्जॉय द प्रेफरेंशियल राइट ऑफ गेटिंग फिक्स डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर प्रेफरेंस शेयर्स, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which gets a fixed rate of dividend and repayment of capital over equity shareholder. तो सबसे पहला पॉइंट आपको मीनिंग लिखना है। सेकेंड डिविडेंड, डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को कौन से रेट से मिलता है? दे गेट अ फ्लक्चुएटिंग रेट। फ्लक्चुएटिंग रेट मीन्स डिविडेंड इज डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट, मोर द प्रॉफिट मोर विल बी द डिविडेंड, लेस द प्रॉफिट लेस विल बी द डिविडेंड। वेयर एज प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड कौन से रेट से मिलता है? फिक्स रेट से, प्रॉफिट हो या ना हो बट डिविडेंड उनको फिक्स रेट से मिलता है। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी रीपेमेंट नहीं मिलता, नो रीपेमेंट टिल द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप होती है उसके बाद अगर सबको पैसे देने के बाद अगर बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को रीपेमेंट मिलता है। वेयर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपेमेंट का डेट इज फिक्स्ड, डेट इज फिक्स फॉर रीपेमेंट। अच्छा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब शेयर्स की वैल्यू क्या होती है, कंपनी कितने में इन शेयर्स को बेचती है, इश्यू करती है। तो इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कंपेरेटिवली प्रेफरेंस शेयर से लो रहता है, फॉर एग्जाम्पल 1 रुपीज़ और 10 रुपीज़, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू कंपेरेटिवली इक्विटी से हाई रहता है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ और 10 रुपीज़। नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर को सारे नॉर्मल वोटिंग राइट्स है, मतलब वो हर जगह पे वोट कर सकता है जहाँ पे कंपनी को ज़रूरत है ओनर की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स तो नहीं है, नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं है, नो नॉर्मल वोटिंग राइट्स। वो सिर्फ वहीं पे वोट कर सकते हैं जहाँ पे उनके बारे में कोई डिसीजन लिया जा रहा है। So preference shareholder does not enjoy a normal voting rights. They can only vote on the matters affecting their interest. तो आपको मैंने यहाँ पे 5 points के difference common बताया। Equity shares सबसे ज़्यादा risky investment है। ऐसे investor जिसको risk लेना पसंद है वो equity shares में invest करते हैं, क्योंकि इस पर dividend जो है वो fix नहीं है और repayment का भी कोई chance नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो है लेस रिस्की है, जिसको रिस्क लेना पसंद नहीं है वो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदता है।
तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही इसका डिफरेंस समझा दिया है, इक्विटी शेयर्स का मीनिंग, प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग, रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलता है, प्रेफरेंस वाले को फिक्स रेट से मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय द नॉर्मल वोटिंग राइट्स। रिटर्न ऑन कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर को जो रीपेमेंट है नहीं मिलता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसका जो रीपेमेंट है वो कंपनी कर देती है उस समय पे जिस समय पे कंपनी प्रॉमिस करती है। इक्विटी शेयर होल्डर का नेचर क्या है, बहुत रिस्क कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स में सेफ कैपिटल है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, दोज हु आर रेडी टू टेक रिस्क दे कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, बट दोज हु आर नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क, दोज हु आर कॉशियस एंड अबाउट सेफ्टी दे इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स। फिर फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू जनरली लो होता है, 1 रुपी और 10 रुपीज़। प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू कंपेरेटिवली हाई होता है, 100 रुपीज़ एंड सो ऑन। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी बोनस शेयर्स देती है, बोनस मतलब फ्री में शेयर्स, वेर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल टू गेट बोनस शेयर्स। तो ये इक्विटी वाले को फ़ायदा है कि उन्हें बोनस शेयर्स भी मिलता है। एक फ़ायदा ये भी है कि इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है जैसे कंपनी बढ़ते रहती है, मतलब कंपनी का रेप्यूटेशन बढ़ने के बाद, कंपनी का इमेज बढ़ने के बाद उसकी शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का कोई वैल्यू नहीं बढ़ता, प्रेफरेंस शेयर का कंपनी के रेप्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी फिक्स डिविडेंड देती है। रिस्क, हायर रिस्क लोअर रिस्क, हमने पहले ही देखा। इक्विटी शेयर्स के 2 टाइप्स है और प्रेफरेंस शेयर्स के टोटल 8 टाइप्स है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं आगे वाले स्लाइड में। अब इक्विटी शेयर्स के 2 टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। इक्विटी विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स मतलब वो शेयर्स है जो ऑर्डिनरी शेयर्स है जिनको सारे राइट्स कंपनी देती है, मतलब राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, सो द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। द कंपनी डज नॉट स्पेसिफाई द रेट ऑफ डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड का रेट नहीं बताती है क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम मिलेगा। इवन दे आर एलिजिबल टू वोट एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, मतलब उन्हें अधिकार है वोट करने का, वोट करके ऑडिटर को अपॉइंट करना, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, डिसक्वालीफाई करना, ये सारे अधिकार है, बुक्स चेक करना। इक्विटी शेयर को विद डिफरेंशियल राइट्स मीन्स कुछ ऐसे इक्विटी शेयर्स भी कंपनी क्लासिफाई करती है कि ये शेयर्स के राइट्स जो है अलग है, वो उनके रूल्स और कंडीशंस में स्पेसिफाई करते हैं, वही राइट्स उनको दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स के टोटल 8 टाइप्स है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर है जिसके अंदर अगर किसी साल कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करती है, उसके पास डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उस साल उस प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड कंपनी नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर देती है और नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड के साथ देती है। मान लो कि 2001 में मिस्टर ए को प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड 10,000 मिलने थे और कंपनी ने उस साल अच्छा प्रॉफिट नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर जब 2002 आएगा तो कंपनी 10,000 2001 का और 10,000 2002 का टोटल कंपनी 20,000 डिविडेंड देगी अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो। बट अगर प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव है तो उस साल का डिविडेंड उसी प्रॉफिट से दिया जाएगा जिस साल कंपनी प्रॉफिट करती है,
मान लो कि उस साल कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया, अच्छा प्रॉफिट नहीं किया, तो उस साल का डिविडेंड लैप्स हो जाएगा, मतलब कैंसल हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वो प्रेफरेंस शेयर्स जिसके ऊपर कंपनी डिविडेंड एक्यूमुलेट करती है अंटिल इट इज़ फुल्ली पेड। मतलब वो अगर एक साल में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट नहीं किया तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले साल भी अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। ये तब तक कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा तब जब तक कंपनी उस डिविडेंड को पूरी तरह से पेड नहीं कर देती। ये क्यूमुलेटिव में है। नॉन क्यूमुलेटिव में ये डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव में नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। डिविडेंड इन सच शेयर्स कैन बी पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ओनली इफ इन पर्टिकुलर ईयर द कंपनी डज नॉट अर्न इनफ प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, देन सच डिविडेंड कैन बी लैप्स्ड, कैंसल हो सकता है। तो नॉन क्यूमुलेटिव में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज गारंटीड, एट द टाइम ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट दे विल नॉट गेट एनीथिंग। अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आई होप ये दोनों आपको समझा होगा, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। आगे देखते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था कि इक्विटी शेयर को जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा मिलेगा। मान लो कि प्रॉफिट के हिस्से में से प्रेफरेंस शेयर्स वाले को कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, अब इतना सारा पैसा बचा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी कंपनी एक लिमिट में डिविडेंड देती है। मान लो कंपनी ने इतना इतना डिविडेंड इक्विटी वाले को दे दिया और इतना प्रेफरेंस वाले को दे दिया, बाकी का बचा उसमें से थोड़ा सा हम रिजर्व्स में डाल देते हैं, एक बाजू में रिजर्व्स बनाते हैं फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए। अभी भी कुछ पैसे बच गए हैं, उस पैसे में इक्विटी शेयर होल्डर तो पार्टिसिपेट करता ही है क्योंकि वो नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स है, वो दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो यू कैन पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है और किसी साल कंपनी ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किया तो आप उस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर फिक्स्ड डिविडेंड। मतलब आपको फिक्स्ड डिविडेंड देने के बाद कंपनी एक्स्ट्रा भी दे सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बट ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है। अगर आपके पास नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो जस्ट यू विल गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, दैट्स इट, नॉट एक्स्ट्रा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा अगर कंपनी ने सरप्लस प्रॉफिट किया तो भी। ओके, सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, वेर एज नॉन पार्टिसिपेटिंग होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट एंटाइटल टू गेट पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसका रीपेमेंट का डेट जो है वो फिक्स है। मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी देने के टाइम पे पहले ही बोल देती है कि आपको 5 साल तक कंपनी डिविडेंड देगी, 5 साल के बाद आपका पैसा भी आपको रीपेमेंट कर देगी, आपको डेट भी बता दिया जाएगा। लाइक 1 अप्रैल 2001 में आपने शेयर्स खरीदा था तो आपको 1 अप्रैल 2006 में 5 साल के बाद आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। ये है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी डेट नहीं बताती है कि आपका रीपेमेंट कब मिलेगा, बस ये कहती है कि आपको डिविडेंड तब तक मिलता रहेगा जब तक कंपनी आपके पैसे आपको वापस नहीं कर देती। मतलब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स इन विच द डेट ऑफ रीपेमेंट इज नॉट फिक्स्ड। ओके, तो डेट जो है वो फिक्स नहीं है, ये कंपनी इसको वाइंडिंग अप तक इस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट डू नॉट कैरी द अरेंजमेंट फॉर रिडेम्पशन, शेयर्स आर रीपेबल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ओके, तो लेकिन एज पर द कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट मेड इन 1988 द कंपनी इज
प्रोहिबिटेड टू इश्यू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब एक नया अमेंडमेंट आया था 1988 में कि कंपनीज को अलाउड नहीं है, प्रोहिबिट किया है इशू करने का इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट करना ज़रूरी है, रीपेमेंट का डेट बताना ज़रूरी है। तो आई होप ये तुम लोगों को समझा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है तुम लोगों को। ओके, एंड द लास्ट वन इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। मान लो कि दो फ्रेंड्स हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, दोनों ने एक साथ इन्वेस्टमेंट किया। मिस्टर ए ने 1 लाख का इक्विटी शेयर्स खरीद लिया और मिस्टर बी ने 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिया, ठीक है। 5 साल के बाद जब दोनों मिलते हैं तो मिस्टर ए का जो 1 लाख है वो 5 लाख हो गया था और मिस्टर बी का 1 लाख जो है वो 1 लाख ही है। क्यों? क्योंकि उसको तो सिर्फ फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, उसका जो शेयर का वैल्यू है वो तो सेम ही रहने वाला है, उसके शेयर में कोई भी फ्लक्चुएशन होगा नहीं। ओके, तो मिस्टर बी को ऐसा फील होगा ना कि काश मैं भी इक्विटी शेयर्स खरीदा होता। तो उस मिस्टर बी को जाके बोलो कि जा तेरा प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट देख कि कहीं उस पर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं लिखा है। अगर वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एज सेड बाय द कंपनी। तो मतलब कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जो कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।